और इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिन के लिए बंगाल के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी कि बुधवार को देश भर में धरना देने का ऐलान कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी, दो दिन में रिपोर्ट तलब की गई है लेकिन दो दिन में तो हालात और ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। आप सोचिए, 6 कार्यकर्ताओं की हत्या, भले ही वो किसी भी पार्टी के हो, भले ही वो आम ही नागरिक क्यों ना हो, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है और वहां पर जिस तरीके के हालात हो रहे हैं उससे जनता में दहशत होना भी लाजमी सी बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके के हिंसा का दौर चल रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है आम जनता के बीच में, उसका असर जाना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि जीत के बाद लोग यही उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आएगी, एक नई व्यवस्था होगी, हमें एक चीजें सुधरती हुई दिखेंगी, लेकिन उससे उलट पश्चिम बंगाल में ये हालात हो रहे हैं। और इसी वजह से राज्यपाल ने, गृह मंत्रालय ने, दोनों ने अपने अपने स्तर से राज्य की जो स्थिति है, जो रिपोर्ट है, वो तलब की है यहाँ पर, और यही इंतजार है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जवाब जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि उस वक्त, जिस वक्त घटना हो रही है, लगभग हर जिले में हो रही है, हर तरीके की घटना हो रही है, पुलिस क्या कर रही है वहां पर? पुलिस का काम अगर कानून व्यवस्था वहां पर दुरुस्त रखना नहीं है तो पुलिस जवाबदेह है इस मामले में, और उस पुलिस के खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अमित, लौटेंगे आपके पास। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हिंसा के बाद अब रेप जैसी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि बीरभूम जिले में टीएमसी के लोगों ने पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता का गैंग रेप किया, तो यह आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है जहां बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का गैंग रेप हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का दौर चल पड़ा है। निशाना बीजेपी नेताओं और पार्टी के दफ्तर को बनाया जा रहा है। हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले से सामने आया, जिसमें बाइक पर सवार कुछ लोग बीजेपी नेता के घर पर हमला करते दिखाई दिए। बाइक सवार लोग मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते नजर आए। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। आरोप यह है कि टीएमसी के कुछ समर्थकों ने पहले वहां पथराव किया और फिर दफ्तर में आग लगा दी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर दिनाजपुर की, बंगाल में किस तरीके से हिंसा हो रही है। उत्तर दिनाजपुर में यह आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलती हुई इस इमारत को जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर है जिसमें आग लगा दी गई। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाएं। यूपी सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मीडिया कंपनियों के दफ्तर जाकर पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाए। योगी सरकार ने मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवार वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। तो यह बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वैक्सीन पर यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला, न सिर्फ पत्रकार बल्कि उनके परिवारों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाए। यहां तक कहा है कि अगर मुमकिन हो तो उनके मीडिया कंपनियों में जाकर ही उनको वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा फैसला, पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला किया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिया गया कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिले और उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर अलॉट किए जाए। यह भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। यूपी सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मीडिया कंपनियों के दफ्तर में जाकर पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाए। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवार वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बड़ा, कितना बड़ा फैसला,
अजीत, ये मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? देखिए बिल्कुल बेहतरीन, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया, जिस तरह मीडिया के बहुत सारे कर्मियों की कैजुअल्टी की खबरें आ रही थी, इसको देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया और ये कहा है कि मीडिया कर्मी जो हैं उनके घरों पर जो 18 प्लस के जो उनके परिजन हैं उनको भी फ्री में वैक्सीनेशन किया जाए, इसके साथ ही जो मीडिया के संस्थान है वहां भी जाकर फ्री वैक्सीनेशन किया जाए 18 प्लस का। तो ये जो माहौल बन रहा था कि लगातार जो कैजुअल्टी हो रही थी, कई सारे अकेले राजधानी लखनऊ में ही लगभग एक दर्जन जर्नलिस्टों की मौत हो चुकी है, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से फैसला किया गया और बड़ा, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्करों की सूची में पत्रकारों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो अब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं 18 प्लस उनको वैक्सीन लगाई जाएगी फ्री में, और उनके मीडिया संस्थानों पर जरूरत पड़ेगी तो वहां जाकर वैक्सीनेशन होगा, और उनके परिजनों को भी जो 18 साल के ऊपर है उनको भी फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज की तारीख में बड़ा फैसला पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। गायत्री, शुक्रिया अजीत।